आरआर से मिली सर्वना खार के बाद पांड्या ने रोहित को बताया हार का सबसे बड़ा गुनहगार। कई ऐसी बात जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। अपनी एक भी गलती नहीं बताई, बाकी सबकी क्लास लगाई। इन दो खिलाड़ियों को दी प्लेइंग 11 से निकालने की धमकी। पांड्या के इस घटिया बयान पर मच गया बवाल। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों आरआर से मिली हार के बाद पांड्या पूरी तरीके से बौखला गया और उसने सीधे सीधे रोहित शर्मा के ऊपर इल्जाम लगा डाले, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एमआई वर्सेज आरआर के बीच 22 अप्रैल को एक महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में जब टॉस हुआ तो टॉस यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से मुंबई ने जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में बहुत ही खासा अच्छा स्कोर नहीं किया और निर्धारित 20 ओवर में केवल 179 रन ही बना पाई। उसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले को दोस्तों आसानी से यहाँ पर करीब करीब 8 गेंद रहते ही जीत लिया। अब यहाँ पर दोस्तों आरआर के मैच जीतने के बाद सबकी निगाहें थी कि हार्दिक पांड्या किस तरह की बयानबाजियां करेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्दिक पांड्या वैसे भी हार की जिम्मेदारी कभी खुद नहीं लेते। क्योंकि अगर आप यहां पर दोस्तों एमआई और आरआर के मुकाबले को देखो तो जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए थे तो अगर वो 10 गेंदों में 30-40 रनों की अच्छी पारी खेल देते तो निश्चित ही था कि इस मुकाबले में आरसीबी की तरह यहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस भी 200 रनों का स्कोर खड़ा कर सकती थी और फिर आरआर के लिए 200 रनों का एक पहाड़ सा स्कोर चेस करना काफी बड़ी बात होती। उसके अलावा दोस्तों बॉलिंग में भी हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर्स में 21 रन खर्च कर डाले, जिससे यहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस कभी कमबैक ही नहीं कर पाई। अब यहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या के इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद भी जब मैच खत्म हुआ और मैच खत्म होने के बाद यहां पर दोस्तों जब टीम मीटिंग हुई तो सबसे ज्यादा गुस्सा उन्होंने रोहित पे निकाला। उन्होंने कहा कि आप सीनियर खिलाड़ी हो और आप पहले ही दूसरे ओवर में जाकर अपना विकेट फेंक कर चले आते हो। उसके साथ साथ पांड्या ने कहा कि जब आप जानते हो कि बोल्ट आपको परेशान करता है तो आपको उसके लिए तैयारियां करके जानी चाहिए, लेकिन आप तो 5 गेंदें खेल के 6 रन बनाकर आउट हो जाते हो और अपनी कोई भी जिम्मेदारी निभाने का नाम ही नहीं लेते हो। ऐसे में दोस्तों उसने सीधे सीधे शब्दों में रोहित शर्मा को सुना डाला और बोला कि अब से रोहित शर्मा को पूरी तरीके से अच्छे फॉर्म में आना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 2 बड़े खिलाड़ियों को पूरी तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उनमें नंबर 1 पर नाम आता है ईशान किशन का। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पिछले मुकाबले में 3 गेंदों में 0 रन बनाए और इसके जवाब में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने उनसे बोला कि अब आप स्कोर करिए वरना बाहर बैठने के लिए तैयार रहिए। उसके अलावा दोस्तों टीम डेविड को भी हार्दिक पांड्या ने खरी कोटी सुनाई और कहा कि हम आपके टैलेंट पर आपको अपनी टीम में लिए थे, लेकिन आप जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हो ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको प्लेइंग 11 में रहने की कोई भी दिलचस्पी है। इसी वजह से यहां पर दोस्तों उसने हार्दिक पांड्या ने सीधा सीधा बोल दिया कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो आपको निश्चित है कि टीम से बाहर कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या के इन बयानों से टीम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।